भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9425046807। धामनोद में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें अज्ञात चोरों ने एक ही दिन में दो घरों में घुसकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। यह घटना 5 नवंबर 2024 की है, जब गौरव तोमर निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धामनोद अपने परिवार के साथ मामा जी के घर ठीकरी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। गौरव ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह अपने घर पर ताला लगाकर सुबह करीब 9:20 पर परिवार सहित कार्यक्रम में चले गए थे। इसी बीच करीब 4:45 पर उनके पड़ोसी किरण मोबाइल ने फोन करके सूचना दी कि उनके घर का नकुचा टूटा हुआ है। गौरव और उनका परिवार तुरंत घर लौटे और देखा कि घर का ताला और नकुचा दोनों टूटे हुए थे। घर के अंदर जाकर देखा तो अलमारी का गेट भी टूटा हुआ था और अंदर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। गौरव ने अलमारी में रखे सोने चांदी के पुराने जेवरात की जाँच की और पाया कि 2 सोने के हार, 2 सोने की चेन, 2 सोने के टॉप्स, 1 सोने का बाजूबंद, 4 सोने की चूड़ियां, 1 सोने का मंगलसूत्र और बच्चों के छोटे छोटे सोने चांदी के जेवर गायब थे। गौरव ने बताया कि यह सब सामान किसी अज्ञात चोर ने घर के ताले और नकुचे को तोड़कर चुराए हैं। पूछताछ में और पता चला कि राकेश नामदेव, जो गौरव के घर से कुछ दूरी पर रहते हैं, उनके घर से भी चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की। राकेश ने भी धामनोद थाने पहुंचकर रिपोर्ट में बताया कि चोरों ने उनके किचन में रखे बर्तन, रखने के पिंजरे से एक जोड़ चांदी की पाइजब और एक जोड़ चांदी की बिछौड़ी चोरी कर ली। उक्त हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक ही दिन में 2 चोरियों की वारदात होने से क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। उक्त चोरी की वारदात भी तीसरी आंख में कैद हो गई है। फिलहाल धामनोद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच कर रही है और चोरों की पहचान के लिए आसपास के और सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है। भारतीय न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट। हम 11 बजे खाना खाने गए, मनसा महाराज की चौथ पे ठीकरी गए थे, उसमें वो घुस गए ताला देख के और पता नहीं कितनी बजे सब सामान अवेयर के लिए। अच्छा, कितने लोग थे? दो लोग थे। हाँ। कहाँ से आया थे? बाइक से आए थे। हाँ। तो इसकी सूचना आपने पुलिस प्रशासन को दे दी है। अच्छा, आकलन क्या होगा, कितनी की ज्वेलरी गई है, आकलन क्या है? 15 लाख की। अच्छा, नगद भी गया कुछ? नहीं, नगद नहीं था। हाँ। ज्वेलरी थी सिर्फ? ज्वेलरी थी, तो पूजा करने के लिए लाए थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुना लक्ष्मी तोमर। कहाँ पर रहते हो? यहीं पे। नाम बताइए। लक्ष्मी तोमर का। राकेश नामदेव। कहाँ रहते हो? धामनोद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। क्या घटना हुई आपके? मेरे घर चोरी हो गई है। क्या लेके गए? ये पाइजब वगैरह लेके गए, बछौड़ी वगैरह लेके गए, वो काफ़ी नुकसान करके गए मेरे घर पर। अच्छा, टोटल कितनी चोरी हो गई? ये मान के चलो कम से कम 25-30-35 हज़ार के लगभग हो गई। आप कहाँ गए थे? मैं चौथ के कार्यक्रम में गया था, बिखरौन। अच्छा, फिर आपको कब पता लगा? मैं जैसे वहाँ बिखरौन से आया, डायरेक्ट घर आया तो मेरे को ताला नकुचा टूटा हुआ दिखा था, मैं घर में मैंने देखा। रिपोर्ट करवा दी आपने? हाँ, रिपोर्ट करवा दर्ज करवा दी है। क्या है पूरा नाम? राकेश नामदेव। मेरा नाम गौरव तोमर है। अच्छा। मैं धामनोद का निवासी हूँ। मेरे यहाँ मतलब 10 बजे के करीब मैं मेरे मामा के यहाँ चौथ के लिए गया था, तो उस रिगार्डिंग 12 से 1 बजे के बीच में मेरे घर चोरी हो गई। उसमें जो लेडीज है उनकी ज्वेलरीज वगैरह थी वो लेके चले गए हैं। कितने की रकम गई है टोटल? टोटल रकम तो अभी अंदाज़ा तो नहीं है, अभी एक बार टोटल करके फिर भी 10 से 12 लाख के बीच में सामान गया हुआ है ज्वेलरी का। कितने चोरों की संख्या है उसमें? अभी फुटेज में तो अभी 2 ही बताई है। हाँ। जो फुटेज में आई है लगभग जल्दी पुलिस कर रही है कार्रवाई, जल्दी पता चलेगा। आपका पूरा नाम? गौरव तोमर। कहाँ रहते हो? हैं धामनोद निवासी। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।